हरियाणा के निसिंग में रोड़ी साहिब गुरुद्वारा में गुरुवार को किसान व किसान नेताओं की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निसिंग किसान नेता सरदार मलूक सिंह चीमा ने की। बैठक में किसान नेता सेवा सिंह आर्य, सुखा सिंह लागर व कुलदीप सिंह बब्बर ने पहुंचकर किसानों की मांग व समस्याओं पर मंथन किया। किसानों ने सरकार के किसान विरोधी नीतियों को लेकर नारेबाजी भी की। किसान नेता कुलदीप सिंह बब्बर व सुखा सिंह लागर ने आरोप लगाया कि करनाल कैथल रोड स्थित राइस मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं व राख से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिलों की राख उनके खेतों में खड़ी फसल व चारे पर जमा हो जाती है, जिससे उनके पशु बीमार होने का अंदेशा बना हुआ है। राइस मिलरों द्वारा मिलों का गंदा बदबूदार पानी बिना ट्रीट किए सड़क किनारे बने नालों में डाला जा रहा है, जिससे आसपास में बदबू का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में किसानों के बजाय फैक्ट्रियों के कारण प्रदूषण फैल रहा है, जबकि सरकार पराली जलाने के किसान के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बैठक में दर्ज मामलों को वापिस किए जाने की मांग की है। किसान नेता सेवा सिंह आर्य ने कहा कि लागत के हिसाब से फसलों का लाभकारी मूल्य दिए जाए, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। देखिए एक रिपोर्ट। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और अंगड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और अंगड़ाई है। किसान एकता। किसानों और किसान नेताओं के एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। हम सेवा सिंह आर्य जी से बात करते हैं। जी आर्य जी, आज की ये हमें जो बैठक की है, पंचायत की है जी, इस पंचायत में किसानों की समस्याओं का हमने मतलब थोड़ा विचार किया है आपस में बैठ करके, भाई हमारे किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है इसमें जी। तो यहाँ पता चला है कि निसंग कस्बे में बहुत सारे सेलर लगे हुए हैं, जिन सेलरों से किसानों को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है जी। उनकी जितनी भी राखी दुआ निकलता है, एक तरफ तो कहती है सरकार अगर हम प्रदूषण रहित मतलब चिमनी लगा रहे हैं, दूसरा ये है कि यहाँ के किसान और यहाँ के आम नागरिक जो हैं, जो इस सड़क के ऊपर चलते हैं आते जाते हैं, उन किसानों के लिए मतलब एक समस्या बन चुकी है कि इस राखी का जितना भी धुआं या इसके निकला हुआ मतलब कालस है, वो सारी की सारी गेहूं के ऊपर जम जाती है। जब गेहूं के ऊपर जम जाती है तो उसकी बलिया निकलेगी, बलिया निकलने के बाद उसका मतलब बढ़ोतरी नहीं हो पाती और वो बलिया वहीं की वहीं सूख जाती हैं। इससे किसानों को मतलब इतना नुकसान होता है कि उसकी ना तो वो फसल बिकती है और ना ही उसके अंदर से कोई झाड़ निकलता है। आज किसानों ने ये डिमांड की है, मांग की है कि इसका प्रबंध सरकार करे कि किसानों का नुकसान ना हो, और दूसरा गंदा पानी जो सेलरों का है वो भी खेतों के अंदर चला जाता है, उस खेतों के अंदर जाने पर उनका मतलब खेत जो है वो सूख जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत से केमिकल मिला करके उस जीरी और धान को साफ किया जाता है और वो सारा पानी मतलब इसमें है और सड़क को भी भारी नुकसान हुआ है। ये एक समस्या लेकर के हमारा मतलब पहले तो नंबर एक ही थी। दूसरा नंबर था कि किसानों ने कहा है कि भाई छोटी किसानों ने कहा है कि भाई जो कर्ज है ना हमारे ऊपर, ये कर्ज गलत नीतियों के कारण चढ़ा है, किसानों का कर्ज एक बार माफ किया जाएगा कि करे सरकार और उसके बाद इनको लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दे, जब जा करके किसान मतलब उभर सकता है, जब जा करके ऊपर उठ सकता है, अन्यथा इनके सारे जो प्रयास हैं उनको विफल रहेंगे। तो ये हमारी आज की मतलब डिमांडें थी। आगे कुलदीप सिंह बब्बर जी, जी ये जी सरकार है, जो वोटा लैन का टाइम हों उदो सू झूठे वादे भले मनस किसान बलोले दी है, थोड़िया पेंशन लवा देंगे, थोड़ा ये करवा देंगे, वोट लैन दी और इन्हों के वादे होंगे ने, हूँ इन्हों के वादे ये आने लग पे ने भी जोड़ा किसान बिल नहीं भरता या जो कोई मजदूर बिल नहीं भरता वो बच्चे की परीक्षा इम्तिहान ही नहीं होएगा। वेखो इन्हों वेखो इन्हों के कम नंबर दो जे सू राइस मिल ट्रालिया ही भर के लंघ देना साढ़े तो नीसिंग के पांच चार बंदे साढ़े को सबूत है जिन्हों अखा खराब हो गई ने, ये ना उतो ढकते हैं इनू तो ना ही उठ उठ के सारे अखा भजा के लगा जाते हैं, कोई इन कोई इन का वो नहीं। साढ़े किसान तो माड़ी जी भी पराली को कोई लाता इन वास्ते अनकमाने इन्हों कमा के दें तो साढ़े तो चलान भी सारे साढ़े सारा कुछ साडा हूँ इन्होंने एक होर साढ़े किसान से बोझ पाता जे पशु अवारा ने बुरा हाल है, कोई साड़ी सुनाई नहीं कर रहा, अवारा पशु सारी फसल साड़ी बर्बाद करी आते हैं, कोई तो पहले सुंडी ने मार ली फसल इन्हें पराली नहीं साड़न दी सानू तो सारी सुंडी खा गई है, अद्धे खेत खाली पे ने जाके इन्हों
कई इन्होंने को रोना रो बैठे हाँ भी साडा मौका तो वेखो कोई मौका वेखण नहीं गया तो जिहड़ी रहिंदी खुंदी है कोई गाई गऊशाला के बूहे ला जाते कोई लोग छड़ जाते हैं गऊशाला करके वो साड़ी सारी फसल बर्बाद है साड़ी सुनाई की जाए नहीं तो सानू फिर अखीर च सड़कों पर आना पड़ेगा असं अपने अपने बच्चे कितों पालेंगे जे इन्हें साड़ी फसल पहले सुंडी ने खा ली हूँ गाई खाई जाए ने अपनी गाई संभालन जी जी जिला प्रधान जी सुक्का सिंह जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह मेहनत जिहड़ा साडा ए वे भी जिहड़ा सब जिहड़ा किसान है इस करजे का दुखी होया इस करजे की वजह तो आत्महत्या करता है जे असी बहुत वेरा इहदा असी ज्ञापन भी कई थां सरकार नूं दे बैठे हां पर इहदे बारे कोई सुनाई नहीं हुई। दूजा ए वे भी जिहड़ा सेवा सिंह भी गल की आ प्रकूषण वाली हुण साडे कोल सैलरां दे कोल इन्ना जिहड़े पशु ने पशु भी बीमार होण लग पए ने उह पठिआं दे उत्ते भी सारे राखी पैंदी ए जिहड़ियां बैलां निकलदियां ने पईआं उहनां दे विच राखी जम जांदी ए दाणे नूं साह नहीं मिलदा विचे दाणा खतम हो जांदा है जिहड़े कोई थोड़े बाले हुंदे ने उहनूं कोई अगों खरीददा कोई नहीं उह काले हो जांदे ने उहदे विच साडा बहुत किसानां दा नुकसान है ते कोई इस पासे सरकार ध्यान नहीं दे रही इहदे बारे कोई नहीं कर रही जिहड़ी जिहड़ी 24 घंटिआं दी प्रदूषण है उहनूं रोक नहीं रही ते जिहड़ी साडी इक 5 मिंट दी पराली वाली सी उह इहनां सानूं साड़न नहीं दित्ती ते साडी प्रदूषण हुण दिल्ली दे विच कित्थों प्रदूषण आई जांदी है हुण कोई पराली साड़ रही है ते की हो रिहा प्रदूषण जिहड़ी दिल्ली दी है उह ते दिल्ली दे विच ही वाधू है उहदी ही नहीं बंद हो रही असी तो साड़ी तो खास करके सरकार दे अगे ही डिमांड है कि कोई ना कुछ किसानों बारे सोचे तो कोई ना कुछ इन्हों बारे करे कुछ इन्हें पिसना के जोड़े लारे लाए ने इन्हें सिर्फ ये जिधर सरकार पहला बनी सी 5 साल पहला इन्हें एक गल आखी सी भी आए साल असी 200 रुपया वधांगे ये भी इन्हें सारे बजुर्गों के नाल खिलवाड़ किया किसी ने 5500 आख्या खुद खट्टर ने भी आख्या भी मैं 3100 करांगा सिर्फ इन्हें साढ़े 50 रुपये एक वधाए ने जोड़ा 250 किया 50 रुपये 200 रुपया तो इन्हें पहले ही आख्या जिन्ना चर साड़ी सरकार रहेगी आए साल 200 वधाएगी तो यह ना सिर्फ 50 रुपये वधा के तो सानू इन्हें खिलवाड़ बजुर्गों के नाल कीता कुछ नहीं कीता सरकार ने। JBD banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden world class catering centrally air conditioned lush green lawns state of the art lighting a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden at JBD banquets enterprise ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।